आज का ये जो रैली है ये लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया है और आज हमारा जो मेन डिमांड है वो लद्दाख को लूटी यूनियन टेरिटरी स्टेटस विद लेजिस्लेचर के डिमांड को लेके आज हमने एक बार फिर एक बहुत बड़ा रैली किया है और ये डिमांड जो है ये कोई पुराना डिमांड नहीं है। इस डिमांड को हमारे बाकी लीडर्स ने भी बहुत सालों पहले 1947 से लेके आज तक इस डिमांड को हम टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट है उन सबको हम पहुंचाते आ रहे हैं। तो इस डिमांड को रेज करने की वजह है कि लद्दाख को हमेशा नेगलेक्ट किया गया है, इस रीजन को हमेशा पिछड़ा हुआ रीजन है और हमारे डिमांड्स को आज तक इन्होंने कभी कोई भी डिमांड हो डेवलपमेंट का डिमांड हो एम्प्लॉयमेंट का हो या कोई भी डिमांड हो उसको उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। तो हमारा एक ही डिमांड रहा है कि लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए। लगभग 70 सालों से लद्दाखी लोग जो है एक डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड है यूनियन टेरिटरी की और ये जो डिमांड है वो जायज़ भी है क्योंकि लद्दाखी बोलते हैं कि उनका ज्योग्राफिकल उनका कल्चर और उनकी जो भाषा है वो बहुत अलग है और इसको जो है प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। और दूसरा वजह कि लद्दाखी जो है एक यूनियन टेरिटरी की मांग करते हैं वो इसलिए क्योंकि जो कश्मीर डोमिनेटेड गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पर लद्दाख को हमेशा निगलेक्ट करती है और कभी भी लद्दाख को एक फुल फ्लेज्ड पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरह कभी भी ट्रीट नहीं किया गया है, चाहे वो बात हो फैसिलिटीज़ की जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हेल्थ सेक्टर या कोई भी सेक्टर हो उसमें कभी भी लद्दाख को हमेशा जो है एक फॉस्टर चाइल्ड की तरह जो है हमेशा ट्रीट किया गया है। लद्दाख से एक आवाज़ बहुत पहले से उठ भी रही है और आजकल बहुत जोरों शोरों से ये आवाज़ फिर से जो है फिर से उठ रही है यूनियन टेरिटरी चाहिए विद लेजिस्लेशन। मगर इसमें जो है प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल 370 जो हमारा है वो पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत कम देता है जिसकी वजह से अगर कल सेंट्रल गवर्नमेंट मान भी जाती है कि लद्दाख को यूटी दे दो तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो रह जाएगा जब तक स्टेट लेजिस्लेचर इसको पास नहीं करता। और शायद इसी सेंटिमेंट के साथ इसी लद्दाखियों के साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेला गया है। अगर हम बात करते हैं पिछले 70 सालों से हमारा अगर ये डिमांड रहा है तो मैं ये कहूँगा कि पिछले सत्तर सालों से ये डिमांड के साथ साथ इसी बात पर पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा हुई है, चाहे वो BJP हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो NC हो चाहे कोई भी पार्टी हो वो ड्यूरिंग द इलेक्शंस उनका हमेशा एक ही एजेंडा रहता है कि लद्दाख को हम UT दिलाएंगे। है इसी UT के नाम पर हम लद्दाखी लोगों को जो है इकट्ठा करते हैं और जब पावर में आते हैं तो ही सपना हम लद्दाखियों का तोड़ दिया जाता है। The Union Territory of Ladakh is like it's against Article 370, which guarantees integrity of the state, and they are also trying to divide the state on communal lines. It's going to be one more partition of the country, which is very unfortunate. A Muslim majority has driven out 5 lakh Kashmiri Pandits, and they are also harassing the Buddhists of Ladakh. So Jammu and Ladakh feel a deep neglect. There are two aspects to this question. First of all, as far as BJP is concerned, it's been our known stand. We have supported a union territory status for Ladakh for the last several years. बहनों और भाइयों, महम वचन के पक्के हैं और इसलिए आपको विश्वास से बताना चाहता हूं कि 20 तारीख को नरेंद्र मोदी हमारे सांसद उनको अपना नेता चुनेंगे। आने वाले 3-4 दिनों में उनकी प्रधानमंत्री करके शपथ होगी और 6 महीने के अंदर लद्दाख और लेह को हम यूनियन टेरिटरी बना के रहेंगे।